जो ब्लास्ट हुआ है उसकी जांच चल रही है, कौन है, कौन लोग शामिल हैं, किनकी साजिश है, ये जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन आतंकवाद पर कभी भी कोई सियासत देश में नहीं होती। आतंकवाद के मुद्दे पर देश को एकजुट होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस आतंकवाद पर भी और ब्लास्ट पर भी सियासत कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस तरह से ट्वीट किया है, जिस तरह से बयान दिया है कि इस ब्लास्ट से भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा, ये बहुत निंदात्मक है। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। हम कांग्रेस अध्यक्ष से पूछना चाहते कि क्या उनके प्रवक्ता इसके लिए ऑथराइज हैं कि वो ब्लास्ट पर भी वोट तलाशने का काम शुरू कर दे? क्या ब्लास्ट से या आतंकवाद की घटना से वोट का कोई रिश्ता है? कांग्रेस हर चीज में वोट तलाशती है। जिस तरह की कांग्रेस के लिए आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है, उसके लिए वोट बड़ा मुद्दा है। और जिस तरह का बयान दिया है, इस तरह के बयान की अपेक्षा नहीं थी। ये बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह के बयान के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को अपने प्रवक्ता को फटकार लगानी चाहिए, क्योंकि ये बयान लोगों की जख्मों पर मरहम नहीं लगाकर उनके जख्मों पर नमक छिड़कने वाला बयान है। इससे कर्नाटक की जनता और देश की जनता इस बयान से नाराज हुई है और ये भी एक्सपोज हुआ है कि कांग्रेस हरदम वोट बैंक की सियासत करती है, उसको हर चीज में वोट तलाशती रहती है। और इसके लिए जो आज घटना हुई है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी जवाब दें, क्योंकि कभी भी इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवाद पर, ब्लास्ट पर कोई सियासत नहीं की। ये पहली बार कांग्रेस ने ये शुरुआत की है। ऐसे भी कांग्रेस आतंकवाद पर राजनीति करती रही और आतंकवाद पर वोट की राजनीति को बंद करना चाहिए और इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री जी को और सोनिया जी को देना चाहिए कि इस तरह का बयान देकर क्या कर्नाटक की जनता के जख्मों पर नमक छिड़क रही है कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। दो पूछिए आप। आपका पहला सवाल शकील अहमद के ट्वीट से मिलता जुलता है, जिसमें उन्होंने इससे वोट का फायदा बीजेपी को बताया। भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति करती है, वोट की राजनीति नहीं करती। जो ब्लास्ट हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं का जो मनोबल तोड़ने की साजिश हुई है उसको हमारे कार्यकर्ता ही कर्नाटक में नाकाम करेंगे। दूसरा प्रश्न, हमारे पार्टी के सब नेता प्रचार के लिए कर्नाटक जाएंगे। आपका सवाल नाडू से। देखिए, एनडीए पहले बीजेपी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी, जो पार्लियामेंट की कमेटी अडवाणी जी के चेयरमैनशिप में है, उसमें पार्लियामेंट में कौन से बिल आ रहे हैं और पार्लियामेंट की में क्या रणनीति बनानी है, इस पर चर्चा होगी। और उसके बाद एनडीए की बैठक भी उनके यहाँ होती है। अभी तक हमारे पास कोई इस तरह का संदेश नहीं आया है। उस पर जब मीटिंग होगी अडवाणी जी के घर, तब उस विषय पर चर्चा करेंगे। या मिस्टर पारसा,
देखिए सवाल हमारी सरकार वहां कर्नाटक में है इसका नहीं, सवाल यह है कि इस तरह की घटना को रोकने में केंद्र और राज्य दोनों का सहयोग, दोनों के इंफॉर्मेशन, दोनों का इनपुट जरूरी होता है। इसलिए इस पर हम कोई ब्लेम गेम की राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन ये जो हुआ है ये बहुत दर्दनाक है और इसको लेकर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। नितिन आपका सवाल। दिग्विजय सिंह बहुत दिनों से मध्य प्रदेश से दूर है और उन्होंने कहा था कि 10 साल तक तो कोई पद नहीं लेंगे। आगे भी जिस तरह शिवराज सिंह चौहान जी काम कर रहे हैं उससे दिग्विजय सिंह को कोई उम्मीद मध्य प्रदेश में न अपने लिए दिख रही है न कांग्रेस के लिए दिख रही है। इसलिए हताशा में दिया गया उनका बयान है। जब भी वो मध्य प्रदेश जाते हैं तो जो शब्द या जो व्यवहार में कांग्रेस के लिए वो करते रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बोल देते हैं। जितने शब्द उन्होंने कहे ये सब उनकी सरकार के रिकॉर्ड हैं जिसको वो शिवराज सिंह चौहान जी के सरकार पर जबरदस्ती उड़ल रहे हैं।